आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के मेन बाजार से। गोहाना नगर परिषद के जो चेयरमैन पद के आप पार्टी के उम्मीदवार हैं अशोक जैन, उनका जो लगातार चुनाव प्रचार है वो तेज होता जा रहा है, उनको जो है भारी समर्थन यहाँ मिल रहा है। आज जो है उनको उनके वजन के बराबर जो है लडुए से तोला गया है। खुद पूछते हैं, अशोक जैन हमारे साथ हैं, सर जिस तरह से भारी समर्थन हम देख रहे हैं आपको मिल रहा है, क्या कहना है? समर्थन नहीं है, ये आक्रोश है, ये पब्लिक का आक्रोश है, पीड़ा है जो 5 साल में उन्होंने सही है और पिछले 10 साल में सही है। कुल 15 साल का जनता हिसाब मांगती है, एक एक पाई पाई का हिसाब मांगती है। अधूरे विकास कार्यों के प्रति बड़ी सजग है, वो चाहती है हमारे शहर में पूरे विकास हो, पूरे कार्य पूरे किए जाएं। और देखो छोटी सी देरी में जाम लगता है, इनको डीकंजेस्ट किया जाए और अच्छी जिन जिन गलियों में छोटे साइज के पाइप डाले गए हैं हम उनको निकलवा के जो रिक्वायर्ड साइज है उसके पाइप डलवाएंगे और ऐसी सुचारू व्यवस्था देंगे भरपूर पानी की, बिजली की और जो भी कुशासन है स्वास्थ्य के बारे, स्कूल के बारे। दिल्ली के लोगों ने कोई ऐसा सोच के वोट नहीं दिया है, पंजाब के लोगों ने ऐसे सोच के वोट नहीं दिया है, वो जो दोनों मॉडल हैं बीच के हरियाणा में, यदि आप लोग जन समर्थन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अपनी भावनाओं के अनुकूल वोट देंगे और 19 तारीख को शहर में एक सत्ता कायम करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय गोहाना के लिए बड़ा स्वर्णिम होगा और जन जन की भावनाओं के अनुकूल हम काम करेंगे। लगातार जो है आप भी और आपकी पार्टी भी महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रदेश में उठाती आ रही है, तो आपका क्या कहना है, किस तरह का लगता है गोहाना शहर के लिए? मेरा ये कहना है ये जो भ्रष्टाचार है, ये महंगाई है, बीजेपी जो है उसको लोगों का ध्यान आकर्षण दूसरी मुद्दों पे ले जाती है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं और तरह के मुकदमे हैं, कहीं देशद्रोह के मुकदमे हैं। आम आदमी को क्या लेना इन बातों से, इतने 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 मंदिर है, इतनी इतनी चीज़ें हैं, गड़े मूड़े उखाड़ रहे हैं, कोई 400 साल का, कोई 800 साल का। मैं ये कहना चाहूँगा जो आज की मेरी युवा पीढ़ी का, मेरे छोटे बच्चों का, उनका भविष्य अंधकार में है, उनके प्रति कोई योजना नहीं है, ना कोई बेरोजगारी को हटाने की योजना है, ना कोई महंगाई को कंट्रोल करने की योजना है। मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप सब मिलके गोहाना में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो चंडीगढ़ तक इसकी चमक और धमक जाएगी और हम उन सत्तासीन जो बिल्कुल सोचने पे उनको मजबूर कर देंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं जिनसे हमारा गोहाना वंचित है हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। अगर अब की बार गोहाना की जनता आपको मौका देती है तो सबसे बड़ी गोहाना वासियों की क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता नंबर एक तो ये रहेगी, जो पार्कों में इक्विपमेंट लगाए गए हैं उनमें बड़ा भारी घपला है, ना मेंटेनेंस होती है। देवीपुरे के पार्क में एक छोटा सा बच्चा कहता है अंकल पैर मुड़ जाता है, ऊबड़ खाबड़ पार्क बना दिए हैं नाम दिखाने के लिए, मूर्तियों का एक सौंदर्यकरण के नाम पे बड़ा भारी घपला किया गया है। मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में एक अच्छी व्यवस्था बने, पानी की, बिजली, जो मूलभूत जो बेसिक सिविल एमिनिटीज है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। शहर सुंदर जब बढ़ेगा जब आम आदमी को रोटी मुहैया होगी, आम आदमी को शिक्षा मिलेगी, आम आदमी को स्वास्थ्य मिलेगा। हम चाहेंगे म्युनिसिपैलिटी में जो एक औरत कहती है धक्के खाने पड़ते हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं बनता, हम चाहेंगे म्युनिसिपैलिटी के लोग द्वार द्वार पे जाए, हर गली गली में, हर वार्ड में क्लिनिक खुले। आदमी एक महिला कल कहती है किसी वार्ड में, जी डॉक्टर पर्ची पर लिखता है दवाई मिलती नहीं है। हम विश्वास दिलाते हैं आम जन को, आम जनता को, आम आदमी को, आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की बात करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आम आदमी को सारी सुविधाएं जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी है वो जरूर मिले, टाइम से मिले। अभी आपने सबसे बड़ी एक बात कही कि जाम लग जाता शहर में, जाम की सबसे बड़ी समस्या है, उस जाम से निपटने के लिए कई साल पहले जो है सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसने भी कहा था कि गोहाना में वेस्टर्न बाईपास बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वो सिरे नहीं चढ़ा, क्या कहना उसको लेके? जो वेस्टर्न बाईपास है वो जाम की समस्या नहीं है, मैं इंटरनल जाम की बात कर रहा हूँ, वो आउटर जाम की बात है, उस पर भी कार्य करेंगे। जो इंटरनल जाम है उसके लिए हम जो खाली पड़े स्थान है उनको चिन्हित करेंगे, वहाँ पार्किंग बनाएंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग करेंगे, वहाँ व्हीकल पार्क करो, बाजार में माल रोड की तरह घूमो, उससे सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी, CCTV कैमरे लगाएंगे और हम चाहेंगे महिला सुरक्षा हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तो जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है उसको लेकर क्या कहना, आज गोहाना में बाजार में हम देखा खूब भारी समर्थन है। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, हम 5,000 वोटों से जीत रहे हैं, जैसे माननीय केजरीवाल साहब ने वर्तमान मुख्यमंत्री चन्नी साहब को पंजाब में चुनाव से पहले घोषित करेगा, दोनों सीटों से हारेगा, दोनों हारेंगे भाई, ये मेरा वायदा है। और 10,000, 5 से 10,000 की तरफ हम सोच रहे हैं 10,000 वोटों से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो
अपनी जीत का जो है कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोहाना की जनता का जो है ना भारी समर्थन यहाँ मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला है आने वाली 19 तारीख करेगी कि 19 तारीख की जो वोटिंग का दिन होगा उसमें गोहाना की जनता जो है इनके वादों पर कितना खरा उतरने का काम करती है, और 22 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो फैसला करेंगे कि जो गोहाना की नगर परिषद का ताज है वो किसके सर चढ़ता है। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।